भारतीय फौज की मशरकी कमान के स्टाफ ऑफिसर मेजर जनरल JFR जैकब ने सन 1971 में बांग्लादेश की जंग के दौरान पाकिस्तानी फौजी कमान के सरबराह जनरल AK नियाजी को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उस वक्त ढाका में भारत के सिर्फ 3000 फौजी मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान के 26000 से ज्यादा फौजी थे। BBC उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में अददी फौजी बर्तरी रखने और मजीद 2 हफ्ते जंग जारी रखने की पोजीशन में होने के बावजूद जनरल नियाजी ने हथियार तब डाले जब जनरल जैकब ने जनरल नियाजी को ये धमकी दी कि अगर उन्होंने सरेंडर न किया तो उनके पूरे खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। जनरल जैकब के मुताबिक उस वक्त ढाका में पाकिस्तान के पास 26400 फौजी थे, जबकि भारत के पास सिर्फ 3000 और वो भी ढाका से 30 किलोमीटर बाहर थे। वो जनरल जैकब ही थे जिन्हें इनके पास जनरल मानिक शाह ने पाकिस्तानी फौज से हथियार डलवाने के लिए ढाका भेजा था। उन्होंने जनरल नियाजी से बात करके उन्हें हथियार डालने के लिए राजी किया था। BBC को एक खसूसी इंटरव्यू में जनरल जैकब ने बताया कि जब जनरल नियाजी ने हथियार डाले तो उस वक्त उनके पास ढाका में 26400 फौजी थे, जबकि भारत के पास सिर्फ 3000 और पाकिस्तानी फौज कम से कम 2 हफ्ते मजीद लड़ सकती थी। उन्होंने कहा कि इन दिनों सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी था और अगर पाकिस्तानी फौज सिर्फ 24 घंटे और हथियार न डालती तो भारत को शिकस्त होने का इम्कान था। ताहम हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक जनरल नियाजी ने हथियार डालने की 2 वजूहात बताई। पहली ये कि उन्हें जनरल जाहिया खान ने ऐसा करने का हुक्म दिया था और दूसरी वजह यह बताई कि जनरल जैकब ने इनके खानदान को कत्ल करने की धमकी दी थी। BBC के नुमाइंदे ने जब एक इंटरव्यू के दौरान जनरल जैकब से पूछा कि आम तासुर ये है कि भारत की सियासी क्यादत चाहती थी कि भारतीय फौज अप्रैल सन 1971 में बांग्लादेश के लिए निकल पड़े, लेकिन फौज ने इस फैसले की मुखालफत की, इसके पीछे कहानी क्या है? मेजर जनरल जैकब ने बताया कि जनरल मानिक शाह ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि बांग्लादेश में दाखिल होने की तैयारी कीजिए क्योंकि हुकूमत चाहती है कि हम वहां फौरन मुदाखलत करें। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि हमारे पास पहाड़ी डिवीजन है, हमारे पास कोई पुल नहीं है और मानसून शुरू होने वाला है। हमारे पास बांग्लादेश में घुसने के लिए फौजी और बुनियादी सहूलियात भी नहीं है। अगर हम वहाँ जाते हैं तो ये यकीनी है कि हम वहाँ फंस जाएंगे, लिहाजा मेरा कहना था कि 15 नवम्बर तक इसे मुलतवी कर देना चाहिए जब तक कि ज़मीन मुकम्मल तौर पर खुश्क न हो जाए। जनरल जैकब का कहना था कि मानिक शाह की मंसूबाबंदी में ढाका पर कब्जा करना शामिल नहीं था, लेकिन मैंने इनसे कहा कि अगर हम जंग जीतना चाहते हैं तो ढाका पर कब्जा करना जरूरी है क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है कि यह मशरकी पाकिस्तान का जुग्राफियाई दिल भी है। लेकिन उनका कहना था कि अगर हम खुलना और चिटागोंग ले लेते हैं तो ढाका खुद ही हमारे कब्जे में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह थी, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि हमें सिर्फ खुलना और चिटागोंग पर कब्जा करने का तहरीरी हुक्म मिला था। इस सवाल पर कि क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान 3 दिसंबर को भारत पर हमला न करता तो आप 4 दिसंबर को पाकिस्तान पर हल्ला बोल देते, जनरल जैकब का कहना था कि जी हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने आर्मी डिप्टी चीफ से मुलाकात की और मुझे बताया गया कि इस हमले की तारीख 5 दिसंबर तय पाई है, लेकिन मानिक शाह ने इसे एक दिन पहले कर दिया क्योंकि 4 इनका लकी नंबर था। 16 दिसंबर के दिन याद करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास मानिक शाह का फोन आया कि जैकब ढाका पहुंचकर हथियार डलवाएं। मैं जब ढाका पहुंचा तो पाकिस्तानी फौज ने मुझे लेने के लिए एक ब्रिगेडियर को भेजा। जब मैंने जनरल नियाजी को हथियार डालने से मुतालिक दस्तावेज पढ़कर सुनाई तो उन्होंने कहा कि किसने कहा है कि हम हथियार डाल रहे हैं, आप यहाँ सिर्फ जंग बंदी कराने आए हैं। इस बारे में बहस होती रही। मैंने इनसे कहा कि हमने आपको बहुत अच्छी पेशकश की है और इससे बेहतर पेशकश नहीं कर सकते। हम आपकी और आपके खानदानों की हिफाजत की जमानत देते हैं, लेकिन आप इस पेशकश को नहीं मानते तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जनरल जैकब ने कहा कि मैंने इनसे कहा कि मैं आपको 30 मिनट देता हूँ, अगर आप नहीं मानते तो मैं फिर जंग शुरू करने और ढाका पर बमबारी का हुक्म दे दूंगा। ये कहकर मैं बाहर चला गया, लेकिन दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं और इनके पास ढाका में 26400 फौजी हैं और हमारे पास सिर्फ 3000 और वो भी ढाका से 3 किलोमीटर बाहर। अगर वो इनकार कर देते हैं तो मैं क्या करूंगा? जनरल जैकब बताते हैं कि जब मैं 30 मिनट बाद अंदर गया तो दस्तावेज वही मेज पर थी। मैंने इनसे पूछा कि क्या आपको ये मंजूर है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 3 बार सवाल किया, फिर कागज मेज से उठाकर कहा, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको ये मंजूर है। चुनाचे जनरल नियाजी ने हथियार डाल दिए। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।